नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम भाग के सवाल कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बच्चों, अगर हमें भाग का सवाल करना है तो हमें पहाड़ा आना चाहिए, तो सभी बच्चे पहाड़ा याद करो, ठीक है? चलो हम भाग का सवाल करते हैं। बच्चों, भी हमें दो में भाग देना है छः का, तो हम दो का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक छः नहीं आए। छः से कम रहेगा तो भी चलेगा बच्चों, लेकिन छः से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो देखो, दो के दो, दो दुनी चार, दो त्याई छः। हमने दो का पहाड़ा कितने बार पढ़ा बच्चों? तीन बार। तो हम तीन यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे छः। अब हम घटा देंगे, छः में से छः गया शून्य, कुछ नहीं। अब दूसरा सवाल बच्चों, अब हमें तीन का पहाड़ा पढ़ना है, उन्नीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। तो चलो बच्चों, हम तीन का पहाड़ा पढ़ते हैं। तीन के तीन, तीन दूनी छः, तीन त्रिका नौ, तीन चौक बारह, तीन पच्चे पंद्रह, तीन छह अठारह, तीन सत्ते इक्कीस। तीन सत्ते इक्कीस तो ज्यादा हो गया है, ये तो उन्नीस है, तो हम कितने बार पढ़ेंगे? एक कम कर देंगे, तीन छह अठारह। तीन का पहाड़ा हम छह बार पढ़ेंगे, तो छह हम यहाँ पे लिखेंगे, तीन छह अठारह। हम यहाँ पे अठारह ले लेंगे, और यहाँ पे घटाने का निशान। अब बच्चों, नौ में से आठ जाएगा तो कितना आएगा? एक। एक में से एक गया शून्य, कुछ नहीं। अब ये छोटी संख्या है एक, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो पांच है इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये कितना हो गया? पंद्रह। अब हमें तीन का पहाड़ा पढ़ना है, पंद्रह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो हम पहाड़ा शुरू करते हैं। तीन के तीन, तीन दूनी छः, तीन त्रिका नौ, तीन चौक बारह, तीन पच्चे पंद्रह। हमने पांच बार पहाड़ा पढ़ा, हम उसे यहाँ पे लिख देंगे, तीन पच्चे पंद्रह। अब हम घटा देंगे, पांच में से पांच गया शून्य, एक में से एक गया शून्य। अब बच्चों, हमें पांच का पहाड़ा पढ़ना है, पच्चीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा तो चलेगा। पांच के पांच, पांच दूनी दस, पांच त्याई पंद्रह, पांच चौक बीस, पचहम पच्चीस। पांच का पहाड़ा हमने पांच बार पढ़ा तो पच्चीस आ गया, हम यहाँ पे पच्चीस लिख देंगे। हमने पहाड़ा कितने बार पढ़ा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों। अब हम घटा देंगे, पांच में से पांच गया शून्य, दो में से दो गया शून्य। अब ये पांच बच गया है, हम इसे यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है। अब हमें पांच का पहाड़ा पढ़ना है, पांच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो पांच के पांच हमने एक बार पढ़ा तो एक हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे लिखेंगे पांच, पांच के पांच, घटा देंगे, पांच में से पांच गया शून्य। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये दो संख्या हम लेंगे, क्योंकि एक संख्या लेंगे तो एक छोटा है, इसलिए हमने दो संख्या ले लिया। अब चार का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, बारह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चार के चार, चार दूनी आठ, चार त्याई बारह। हमने चार का पहाड़ा कितने बार पढ़ा बच्चों? तीन बार। तो हम तीन यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बारह। अब हम घटा देंगे बच्चों, दो में से दो गया शून्य, एक में से एक गया शून्य। अब ये क्या बचा? आठ। तो इस आठ को हम यहाँ पर उतार लेंगे, आठ। अब हमें चार का पहाड़ा पढ़ना है, आठ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम हो जाएगा तो चलेगा। चार के चार, चार दूनी आठ। हमने चार का पहाड़ा कितने बार पढ़ा बच्चों? दो बार। तो दो हम यहाँ पे लिखेंगे, चार दूनी आठ। अब हम घटा देंगे,
चार में से आठ में से आठ गया शून्य। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, छः, छः का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे, बयालीस से ज्यादा नहीं होना है। ठीक है, बयालीस से कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन बयालीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो छः का पहाड़ा पढ़ते हैं। छः के छः, छः दूनी बारह, छः त्रिक अठारह, छः चौक चौबीस, छः पंच तीस, छः छक छत्तीस, छः सत्ते बयालीस। हमने छः का पहाड़ा कितने बार पढ़ा, सात बार, तो सात हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे बयालीस लिखेंगे। दो में से दो गया शून्य, चार में से चार गया शून्य, हमने घटा दिया। अब ये कितना बचा, छः, इस छः को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अभी हमें छः का पहाड़ा पढ़ेंगे, छः इक्के छः, हमने छः का पहाड़ा एक बार पढ़ा, छः के छः, छः में से छः जाएगा तो कितना आएगा, जीरो। तो ये हमारा उत्तर हो गया। आगे अभी हमें सात का पहाड़ा पढ़ना है, उनचास से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो हम पढ़ते हैं, सात के सात, सात दूनी चौदह, सात त्रिक इक्कीस, सात चौक अट्ठाईस, सात पचे पैतीस, सात छंग बयालीस, सात सते उनचास। हमने सात का पहाड़ा कितने बार पढ़ा बच्चों, सात बार, तो हम सात यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे उनचास। अब हम इसे घटा देंगे, नौ में से नौ गया जीरो, चार में से चार गया जीरो। तो बच्चों आज की पाठशाला में हमने भाग का सवाल सीखा है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आपकी मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। YouTube पर मैं आप लोगों की मदद करने के लिए ही आई हूँ। आप बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी जो बच्चे हैं वो भी मेरी पाठशाला का लाभ ले सके और वो भी अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे नंबर लेकर आए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि जिस प्रकार आप लोग पढ़ाई कर रहे हो आपकी दोस्त पढ़ाई कर ले। अगर हम दोस्तों के साथ पढ़ाई करेंगे तो हमें और भी मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।